अब ध्यान से सुनिए, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन्स अभी सिंपल कुछ बेसिक चीजें पहले जान लेते हैं जो हमें इसके लिए चाहिए और देन आप अपने टॉपिक के आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज जो आप लोगों को यहाँ की केस में चाहिए ना, वो बेसिक चीज है यहाँ की केस में, अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग करंट को पास करते हैं और उसे उठाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यहाँ के केस में टॉर्क बनता कि नहीं बनता वो समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ कि टॉर्क होती क्या है और क्या मीनिंग है इसके बारे में। देखिए, आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था 11th में, जब किसी चीज के ऊपर फोर्स बनाए और वो धक्का लगाए और वो स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर दे, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर बात करें यहाँ के केस में उस चीज के लिए हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फोर्स वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज के ऊपर धक्का लगाओ, किसी चीज के ऊपर धक्का लगाओ और वो एक्चुअल में यहाँ की केस में अपने आप को रोटेट करना स्टार्ट कर दे, रोटेट करने के पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखते थे हम लोग, दैट इज टॉर्क। अब टॉर्क का जनरल जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू यहाँ की केस में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्मूला था। एक पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ की केस में वैलिड चाहिए ये वाला, दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को बेटा यहाँ के केस में वैलिड चाहिए वो ये है कि आप लोग इस वायर के अंदर करंट को पास करो और करंट को पास करने के कारण अब इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसका नतीजा आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर फोर्स इंप्लीमेंट की जाएगी। अब किसी भी करंट के अब फोर्स लगेगी तो पहले इसका रीजन क्लियर कर दें। देखो वायर के अंदर करंट चले, करंट के कारण क्या बनेगी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेंगे। इसी का नतीजा हम लोग यहाँ की केस में देखेंगे, इसके ऊपर धक्का लगेगा वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ रोटेट करना स्टार्ट होगा। अब इसी चीज को यहाँ की केस में टाइम करते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट है और वो जो फोर्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल इंटू बी होता है, सबको ये ठीक है। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास ये एक जनरल इसका फॉर्मूला बना। अब इसी फॉर्मूले के पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग इनके आंसर को निकालते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ के केस में आज के टॉपिक में करेंगे क्या, ये चीज थोड़ा ध्यान से सुन। देखो मेरे पास ये एक अगर बात करें यहाँ के केस में रेक्टेंगल कॉइल, जिस रेक्टेंगल कॉइल के अंदर मैं करंट को पास करूं, इसके टोटल चार आर्म्स हैं, एक दो तीन और ये चौथा, इन चारों के अंदर करंट को फ्लो करवाया जा रहा है, एक तरह से एंटर किया जा रहा है, दूसरे एंटर पॉइंट से बाहर निकाला जा रहा है। अब अगर करंट एक एंड पॉइंट से अंदर की तरफ एंटर करे और दूसरे एंड पॉइंट से बाहर आ जाए, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग आर्म्स के ऊपर हम लोग करंट के अकॉर्डिंग कितनी कितनी फोर्स लगेगी उस चीज को नापना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले इस वाले पॉइंट पे करंट चल रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस चीज के ऊपर धक्का लगाएगी उसका नतीजा जहां तो इसे धक्का बाहर की तरफ लगाएगी या अंदर की तरफ कहां की तरफ लगाएगी उसे फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ में ये भी चेक करते जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना। तो पहले नंबर इस चीज का मैग्नीट्यूड एस प्लस धक्का कहां की तरफ लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे। उस चीज के लिए अगर बात करें हम लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और अगर डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रूल क्या इंप्लीमेंट करेंगे, मीनिंग लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक फोर्स को इंप्लीमेंट करना और जब फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना इसके लिए एक ही रूल पड़ा वो कौन सा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग बात करेंगे यहाँ के केस में अपर वाले पोर्शन में, सेकंड नंबर ये आम आ गया इस चीज के अकॉर्डिंग इसे क्लियर करेंगे, थर्ड नंबर इस आम की बात करेंगे और इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसके अराउंड अगर बात करें डायरेक्शन कैसी रहेगी वो फाइंड आउट करेंगे एंड चौथा नंबर पॉइंट क्लियर होगा, ये चारों पॉइंट के ऊपर यहाँ के केस में फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, उनके डायरेक्शन को निकालेंगे आंसर निकालेंगे। क्लियर, अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में इनका आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। अब इस आंसर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के केस में स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंटेशन होनी है ये ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ के केस में बात करूंगा दैट इज फोर्स ऑन आर्म, फोर्स जिसका नाम क्या है यहाँ के केस में एफ वन ऑन आर्म, किस आर्म्स की बात करते हैं यहाँ के केस में पी से लेके क्यू तक। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पी से लेके क्यू आर्म के ऊपर कितनी फोर्स इंप्लीमेंट होगी वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं यहाँ की केस में जो रेक्टेंगुलर कॉइल दी है ये अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग और हमें पता है कि रेक्टेंगुलर की ऑपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, इसका मीनिंग अगर मान लीजिए इसकी लेंथ एल है तो ये भी लेंथ कितनी होगी एल, और अगर ये ब्रेथ मान लीजिए बी डिनोट करता हूं ये भी कितनी होगी बी, लेकिन यहाँ की केस में मैं आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ की ब्रेथ को बी से डिनोट नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ की केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी बी से डिनोट की जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि बी किस चीज को रिप्रेजेंट करिए, ब्रेथ को इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को अभी मैं डिफरेंशिएट करके लेके चलूंगा। तो यहाँ के केस में मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ की जो लेंथ है दैट इज क्यू आर और इस क्यू आर और इसी तरीके से पी एफ,
इन दोनों की वैल्यू को मैं कितना लेके चलता हूँ, एल लेके चलता हूँ। इसी तरीके से यहाँ के केस में पी से लेके क्यू, तो बी एस की ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है, और इधर से आर को लेके एस, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग से यहाँ के केस में इंडिकेट किसके कर देता हूँ डब्ल्यू। क्लियर? अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर को निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू, पहले आर की बात कर रहे थे फोर्स एफ वन लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट कितनी चल रही है, लेट इट बी स्मॉल आई लिख देता हूँ, इसके अंदर टोटल जो करंट फ्लो हो रही है लेट इट बी स्मॉल आई। अब लेंथ, लेंथ अगर बात करें इस आर्म की बात करनी है, आर्म का नाम क्या PQ, और ये PQ वेक्टर मल्टीप्लाई अगर बात करें इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ की केस में बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी फील्ड, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग एफ वन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, आई का आई रहा, और यहाँ के केस में पी से लेके क्यू तक टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास, पी से लेके क्यू तक डब्ल्यू, और इसलिए मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इनटू बी लिख दिया। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में अगर बात करें तो इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग आई का आई रहा, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें डब्ल्यू, यहाँ के केस में लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूँ तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ के केस में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ के केस में साइन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सर्कल इक्वेशन के बारे में। चलिए ऐसा करता हूँ, सिंप्लीफाई करके लेके चलता हूँ, मैं डब्ल्यू इसका नाम रख लेता हूँ ऊपर वाले का, एल इसका रख लेता हूँ, और यहाँ के केस में चेंज कर देता हूँ, इधर एल ले आता हूँ और इसकी जगह पर एल ले आता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर ना हो, क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक्स के मटेरियल को देखें तो वहां की चीज एल में छूट गया होगा। ठीक है, इस तरीके से ले आता हूँ। ओके, अब ये चीज तो निकल गई यहाँ की केस में मैग्नीट्यूड, अब मुझे बताओ इसकी केस में आप पॉइंट आउट क्या करोगे, डायरेक्शन पॉइंट आउट करनी, तो डायरेक्शन ऑफ एफ वन अगर बात करें यहाँ की केस में कितनी आएगी वो क्लियर। तो अब आप मुझे बताना यहाँ की केस में अगर बात करें पी से लेके क्यू तक फोर्स कहाँ की तरफ इंप्लीमेंट होगी, ये ध्यान से समझ में, फोर्स के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये रूल पॉइंटेड आया, ये फिंगर थी हमारे यहाँ के केस में करंट, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, और ये थी फोर्स। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर साउथ उधर, ऐसे करके जा रही है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट कहाँ की तरफ जा रही है, कॉइल के अंदर ऊपर की तरफ, आप इस चीज को ऐसे समझो, देखो ये कॉइल के अंदर मैं कुछ एंगल से रखा है, मैं पहले क्लियर कर दूं यहाँ के केस में एंगल क्यों बना रहा है, रीजन भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखो आप निकालना चाहते हैं टॉर्क, और अगर तो मैं सीधा सीधा यहाँ के केस में इस चीज को अलाइन ऐसे कर देता तो यहाँ के केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती, इसके ऊपर एंगल के अकॉर्डिंग धक्का नहीं लग पाता, मुझे यहाँ के केस में इसे फ्लिप करवाना, फ्लिप करवाने का मीनिंग रोटेट करना, रोटेट करवाने के लिए मैक्सिमम इसके ऊपर जो फील्ड इंप्लीमेंट हो सकती है वो तब हो सकती है अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इधर एंगल कितना बनाना स्टार्ट करे 90, अगर मैं 90 के हिसाब से स्पेस को लेकर चलूंगा तो सिर्फ एक एंगल के लिए आपका यह फॉर्मूला बनेगा, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला बनाते हैं वो जनरल एक फॉर्मूला होता है, किसी भी एंगल के लिए वैलिड होना चाहिए, और लैटिट्यूड भी आपको बोला गया कि 30 डिग्री से रखिए, 45 डिग्री से, 60 डिग्री, तो किसी भी एंगल के लिए अगर बात करें फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए, दैट इज वाई अगर बात करें इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसके एंगल कितना बना दिया मैंने थीटा। क्लियर? चलिए अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ की केस में बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ F1 की बात करें, तो F1 के केस में अगर बात करें डायरेक्शन कहां की तरफ होगी ये भी चीज क्लियर करते हैं, तो इसलिए करंट कहां की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड रूल लिया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट कहां की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, अब इस क्वाइल पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये थंब इंडिकेट करता है धक्का लगा, दैट इज फोर्स कहां की तरफ लग गया, तो फोर्स से कहां की तरफ आ रही है, इनवर्ड की तरफ की, सॉरी इनवर्ड की तरफ की आउटवर्ड की तरफ, एनीवर इसका मीनिंग अंदर की तरफ धकेले, इसका मीनिंग इस आर्म के ऊपर जो फोर्स से लग रही है जो से धकेल के यहाँ के केस में लेके जाएगी वो फोर्स कहां की तरफ जा रही है, ऐसे करके अंदर की तरफ, इट मीन खींच के इसे इधर की तरफ लेके जाएगी, पॉइंट क्लियर होगा, तो मैं इस चीज को भी यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ वन है यहाँ के केस में वो एफ वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ के केस में, इनवर्ड, और इनवर्ड को अगर बात करें तो आप लोगों ने याद होगा हम सब किसी से डिनोट करते थे हम लोग क्रॉस, ये चीज मैंने लिख दी। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेके आते हैं, अब दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें इस आर्म की बात होगी खत्म, अब बताओ इसके बाद कौन सा आर्म आएगा, लूप में ले लेते हैं चलते जाते हैं, तो इसका नाम क्या आर एफ नहीं, इसके बाद पॉइंटेड क्या करंट इधर से जाके किसके बाद गई, क्यू आर के बाद, अब क्यू आर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ केस में मैग्नेटिक फील्ड वापस निकालो, अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स एफ टू की निकालनी, मैं लिख देता हूँ फोर्स एफ टू, और इस फोर्स एफ टू वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी, ऑन आर्म किस पॉइंट के ऊपर लग रही है, आर्म का नाम क्या है, क्यू आर, क्लियर हो गया।
चलिए अब आप मुझे बताना इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें F2 वेक्टर की वैल्यू निकालना है। F2 वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के केस में अभिनिकरण कितना चल रहा है, I चल रहा है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें P से लेके Q तक, ये हमारे पास पहले से कंसर्न था, अब बताओ Q से लेके R तक ये वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंथ यहाँ के केस में आगे Q R और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी चल रही है इसके बाद B वेक्टर, ये चीज भी आ गई। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें F2 वेक्टर इज इक्वल टू I का I रहा Q से लेके R तक, Q से लेके R तक अगर बात करें तो आप लोगों ने वैल्यू निकाली कितनी थी W, इसलिए मैंने यहाँ केस में लिख दिया W वेक्टर और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया B वेक्टर, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, अब देन आफ्टर अगर देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग F वेक्टर इज इक्वल टू I का I रहा और यहाँ की केस में अगर बात करें ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ की केस में लिख देता हूँ डबल यू बी और बी क्या आ गया यहाँ की केस में साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ की केस में फिर से हमारा मेन पर्पस क्या रहता है कि हम लोग यहाँ की केस में बार बार इनकी डायरेक्शन को भी चेक करें। अब हम लोग फिर से इनकी डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कौन सा रूल इंप्लीमेंट करोगे, लेफ्ट हैंड रूल इंप्लीमेंट करोगे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लगेगा। अब लेफ्ट लेफ्ट हैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ की केस में ये किस चीज को इंडिकेट करता था मैग्नेटिक फील्ड, ये किस चीज को इंडिकेट करता करंट और ये किस चीज को इंडिकेट करता फोर्स, फिर से इस चीज को एनालाइज करते हैं। देखिए अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है और करंट अगर बात करें यहाँ की केस में इस तरफ जा रही है, एक्चुअल में ये कॉइल पड़ी ऐसे करके कुछ एंगल बनाए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें करंट उस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थंब कहां की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ, इसका मीनिंग इस पॉइंट पे जो फोर्स काम करेगी वो कहां की तरफ काम करेगी नीचे। ये चीज क्लियर रखना कि हमेशा यहाँ की केस में जो क्वाइल है वो कुछ एंगल क्रिएट करके रखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी लाइन में और ये यहाँ के केस में करंट ऐसे और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थंब कहां की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, इसका मीनिंग यहाँ की केस की जो फोर्स है वो कहां की तरफ काम कर रही है डाउनवर्ड की तरफ। तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ की केस में जो फोर्स काम कर रही है वो एक्चुअली डाउनवर्ड की तरफ काम कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चीज में हम लोगों को यहाँ के केस में क्लियर। तो मैं इस चीज के लिए ना काम क्या करता हूँ इसकी डायरेक्शन भी साथ साथ में मेंशन कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ के केस में इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ब्लैक मार्कर को यूज कर रहा हूँ, ये आगे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड इधर, ये आगे F2 डायरेक्शन, इधर अगर बात करें F1 इधर की तरफ बाहर की तरफ इसने दिखा रहा था इसलिए ये आ गई F1। अब मैं बात करता हूँ किस पॉइंट के ऊपर, तीसरे आर्म के ऊपर। अब तीसरे आर्म पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, अब तीसरे आर्म के लिए अगर बात करें तो पॉइंट आउट क्या फोर्स निकालनी है। अब इस फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें फोर्स किस पॉइंट पे निकालनी है, फोर्थ F3 वेक्टर, अब कौन सा आर्म है मुझे बताइए, तीसरे आर्म का नाम क्या, तीसरे आम का नाम क्या है यहाँ की जैसे करंट की डायरेक्शन को देखो, पहले इधर जा रहा था इस आम को लिया फिर इधर गया इस आम को लिया, अब कौन सा बचा आर एस, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आर एस ले लिया। अब इसकी आर एस की वैल्यू को निकालने के लिए एफ थ्री वेक्टर आएगा, एफ थ्री वेक्टर के पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में अगर बात करें नाम क्या आर एस वेक्टर मल्टीप्लाई अगर बात करें यहाँ के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी वेक्टर, इस पॉइंट के बाद अगर बात करें एफ थ्री वेक्टर इंटीग्रल तो कितना आ गया आई का आई और आर एस की अगर बात करें आर से लेकर एस तक वैल्यू कितनी हमारे पास एल, ये आ गया एल और देन आफ्टर डेट अगर बात करें यहाँ इंटीग्रल कितना आ गया बी वेक्टर, अगर मैं वापस इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो कितना आ जाएगा एफ थ्री वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आई एल का एल बी का बी और साथ में साइन थीटा का साइन थीटा, क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको। चलिए अब यहाँ की केस में अगर बात करें ये तो निकल गया इसका मैग्नीट्यूड, अब किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें अब वापस मुझे हर एक पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है डायरेक्शन। अब तीसरे पॉइंट पे यहाँ के केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन को वापस फाइंड आउट करने के लिए आपको रूल क्या इंप्लीमेंट करना पड़ता है लीविंग लेफ्ट हैंड, अब फिर से स्क्वायर को एनालाइज करते हैं और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके आंसर को निकालते हैं। देखिए अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्वाइल के अंदर करंट कहां जा रहा है नीचे की तरफ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें ये पॉइंटेड था, अब अगर बात करें करंट नीचे की तरफ जा रहा है करंट नीचे की तरफ आया, मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें कहां की तरफ काम कर रही है उस तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है तो हम कहां की तरफ आ रहे हैं आउटवर्ड, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि यहां की केस में जो फोर्स की बाउंड्री रहेगी तो फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी, इसलिए मैं इसे आउटवर्ड के अकॉर्डिंग इंडिकेट करता हूं। तो बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ की केस में अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ एफ टू वेक्टर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा इज आउटवर्ड,
इज आउटवर्ड, और इसी पॉइंट पे हमारी आप क्या लिखोगे इज आउटवर्ड पॉइंट, तो यहाँ से जैसे बाहर आ गई तो किससे इंडिकेट करते थे डॉट एफ, सॉरी एफ थ्री ये पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट पे बड़ी आ गया एफ, क्लियर हो गया। अब बचे हमारे पास यहाँ के केस में लास्ट वाला यहाँ के केस में जिसका नाम किया पी से लेके एस तक, सॉरी पी से लेके अगर बात करें एस तक, और इसी आर्म के पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें आप लिखता हूं फोर एफ फोर निकालिए मुझे ऑन आर्म पी एस या एस पी लिख दे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहां के केस में अगर बात करें एफ फोर वेक्टर इक्वल टू आई का आई रहा, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें आर्म की लेंथ यहां के केस में अगर बात करें तो कितनी है लेंथ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा एफ थ्री वेक्टर, और मल्टीप्लाई अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये वेक्टर, किसी बच्चे को कोई डाउट ठीक है। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में अगर बात करें एफ फोर वेक्टर आई का आई रहा, एस पी की अगर बात करें एस से लेकर पी तक वैल्यू कितनी यहाँ के केस में, अगर बात करें एस से लेकर पी तक डब्ल्यू आ गया इसलिए मैं यहाँ के केस में वापस लिखूंगा डब्ल्यू वेक्टर, और क्रॉस कितना आ गया ये वेक्टर। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई का आई, और यहाँ के केस में अगर बात करें तो पॉइंट क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ के केस में साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब वापिस अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा एफ फोर वेक्टर इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बी, और ये कितना आ गया साइन थीटा। अब यहाँ के केस में एट द एंड लास्ट पॉइंट पे क्या निकालनी पड़ती है डायरेक्शन, अब डायरेक्शन वापिस इस चीज के देखते हैं डायरेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आप इस चीज के अकॉर्डिंग देखो करंट इस तरफ से आता है ठीक है, ये ऐसे करके क्वाइल पड़ी है करंट इस तरफ आ रही है, क्वाइल ऐसे पड़ी थी करंट इधर से क्वाइल के अंदर ऐसे करके आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट इस तरफ आ रही है, तो अगर ऐसे करेंगे तो हम कहां की तरफ काम करें अपवर्ड की तरफ, तो इसका मीनिंग इस पॉइंट पे जो फोर्स काम करिए वो धकेल के से कहां करने लगे आ रही है ऊपर की तरफ। अब यहाँ की केस में अगर बात करें तो लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ फोर वेक्टर इज अपवर्ड डायरेक्शन, अगर अपवर्ड डायरेक्शन हुई तो इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट को धकेल के इसी लाइन के ऊपर ऐसे करके लेके जाए, क्लियर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से एक चीज को एनालाइज करो यहाँ की किसने आपको चारों कॉर्नर पे फोर्स कैसी दिख रही है, पहले इस चीज को थोड़ा समझ आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले एंड पॉइंट से फोर्स कहाँ काम कर रही है नीचे की तरफ, नीचे वाले एंड पॉइंट से फोर्स कहाँ काम कर रही है ऊपर की तरफ, इस एंड से फोर्स कहाँ की तरफ काम कर रही है इस तरफ, इस एंड पॉइंट से फोर्स कहाँ काम कर रही है बाहर की तरफ, क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ की केस में एक चीज को एनालाइज करूं तो सेंटर से ग्रीन मार्कर कलर की एक लाइन मैंने बीच में डाली बेटा, ये फिक्स लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जब जब यहाँ की केस में दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं एक ही लाइन के ऊपर, तो वो दोनों लाइन को एक जगह बांध देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं मैं इस क्वाइल को सेंटर से बांध देता हूं, और सेंटर से बांधने के बाद अब अगर बात करें कोई धक्का इसे इस तरह लगाए और धक्का इस तरह लगाए, एक मिनट जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ समीर आवेगी, जैसे देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फोर्स कहां की तरफ काम कर रही है डाउनवर्ड, और ये फोर्स कहां की तरफ काम कर रही है अपवर्ड की तरफ। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट तो हो गए फिक्स, क्योंकि इन दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल इसलिए करे क्योंकि इनकी लाइन के ऊपर वे अलग बढ़ रहे, अगर तो ये दो अलग अलग लाइन के ऊपर काम करते तो यहाँ के केस में अगर बात करें तो हम लोग इस चीज को कभी नहीं कहते हैं जो आपस में कैंसिल हो, कैंसिल हमेशा कोई चीज तभी होती है जब अगर बात करें दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है और एक ही लाइन के ऊपर अलाउड हुए, तो यहाँ के केस में दोनों एक ही लाइन के ऊपर अलाउड हुए, और इसका मीनिंग इसका धक्का इसे धकेल के नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इसका धक्का इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसका मीनिंग आप क्या समझ पाओ, अब ये धीरे धीरे ऐसे करके रोटेट करेगा कि नहीं, तो यहाँ के केस में रोटेशन किस चीज के कारण बढ़ी, आप इसे धक्का लगाइए यहाँ से नीचे की तरफ और ऐसे करके ये रोटेशन शो करेगा, अब इसी रोटेशन का नतीजा यहाँ के केस में अगर बात करें टॉर्क बनना स्टार्ट हो गया। तो टॉर्क बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि आपने देखा ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्स दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल, इसमें हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा जो फोर्स यहाँ के केस में F2 और F4 है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ के केस में जो नेट फोर्स इंडिकेट करने वाले मटेरियल है वो कौन से आएंगे सेकंड वाले में कौन से आएंगे थर्ड वाले, इसका मीनिंग यही दो फोर्सेस के पॉइंट इनको फोर्स लगाए। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रही है इस आर्म पॉइंट पे वो कहां की तरफ धकेल रही है अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो कहां की तरफ इससे धकेल रही है बाहर की तरफ, मुझे बताओ इसे अंदर की तरफ खींचा जा रहा है इसे बाहर की तरफ, और सेंटर से पॉइंट फिक्स है तो ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं सीधा सीधा यहाँ की केस में ये मेंशन करूंगा कि जो फोर्स F2 और F4 ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों करेंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर फिर इसे भी कैंसिल कर दो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए,
लेकिन दिक्कत की बात है कि यहाँ के केस में लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इनकी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और दोनों के ऊपर अलग अलग पॉइंट फोर्स काम करते हैं। अगर तो ऐसा होता ना एक ही लाइन के ऊपर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स काम करते हैं, मैं सीधा नेट वाली की लिख देता जीरो। तो यहाँ के केस में ये वाली और ये वाली आपस में क्या कैंसिल। अब बची कौन कौन सी, यहाँ के केस में अगर बात करें एफ वन और एफ थ्री, चलिए इसी चीज के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में सबसे पहला पॉइंट ये लेकर के आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, जो एफ टू और एफ फोर है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। यहाँ के केस में साइड में लिख देता हूँ, ये साइड में मेंशन कर रहा हूँ, एफ टू और अगर बात करें एफ, देखिए एफ टू वेक्टर एंड एफ फोर वेक्टर ये दोनों अगर बात करें इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अगर बात करें ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है एंड दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंक्रीमेंट हो गया एंड लाइज ऑन द सेम एक्शन लाइन या लाइन ऑफ एक्शन कर सकते हैं। देयरफॉर इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर दे आर कैंसिल्ड ईच अदर। क्लियर हो गया पॉइंट सबको। अब इसके केस में अगर बात करें तो नेट फोर्स यहां के केस में कौन क्रिएट करेगा, बचे बचे को दो पॉइंट, मैं सीधा लिख देता हूं, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बचा है एफ वन वेक्टर एंड दूसरा कौन सा बचा है एफ थ्री वेक्टर, ये भी अगर बात करें इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अगर बात करें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट अगर बात करें यहां के केस में ये दोनों की जो एक्शन ऑफ लाइन, ये दोनों की जो एक्शन ऑफ लाइन या लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये दोनों कैंसिल नहीं होते। इसके कारण ये दोनों फोर्सेस अगर बात करें इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है हमेशा काम करेंगे यहाँ एक कपल फोर्स क्रिएट करें। देखिए बेटा याद रखो जैसे किसी एक सेंटर वाली पॉइंट से किसी चीज को बांध दे और इनके दोनों कॉर्नर पे ऑपोजिट फोर्स काम करे तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल्ड फोर्स। कपल इसलिए क्योंकि दो फोर्सेस है, कपल वर्ड वहां से निकला और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही है तो इसलिए कपल्ड फोर्स कहा, इसलिए हम लोग इसे कपल्ड फोर्स कहेंगे। और इसी कपल्ड फोर्स का नतीजा आपको क्या मिलता है, हमेशा यहाँ इसमें टॉर्क क्रिएट होती है। इसकी एक एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक या अगर बात करें स्कूटी का हैंडल ले लीजिए, वो सेंटर से एक्सल पॉइंट से बंधा हुआ, इसका मीनिंग वो यहाँ के केस में बन गई लाइन ऑफ एक्शन। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो सेंटर वाले के बाद अगर बात करें हैंडल के दो कॉर्नर पर लीजिए, एक को धकेलो बाहर की तरफ एक को धकेलो अंदर की तरफ, तो मुड़ते कि नहीं मुड़ते। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के केस में पॉइंट क्या होगा, रोटेशन क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के केस में क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, टॉर्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब किसी टॉर्क पर देखिएगा हम लोगों को ये टॉर्क को फाइंड आउट करना, लेकिन मैं इसे टॉर्क को फाइंड आउट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को ओवरव्यू करवाता हूँ एक अपर वाले पोर्शन। अब यहाँ के केस में इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि एंगल की वेरिएशन हम लोगों को समझना, ये एंगल कैसे कैसे क्रिएट हो रहे हैं इन चीजों को समझे जाए, तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करिए आप लोग। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ के केस में एक बच्चा और आ जाए, इसमें दो बच्चों की हेल्प चाहिए, दो बच्चे आ रहे हैं दो बच्चे नोटबुक ले लीजिए प्लीज, एक एक नोटबुक ले लीजिए आपको। चले अब ध्यान से सुनिए, अब लेट इट बी सपोज ये हमारे पास अगर बात करें एक आ गया साउथ पोल और ये दूसरा आ गया नॉर्थ पोल और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट क्या बन गई इसकी मैग्नेटिक, और इसके अंदर आप लोगों ने क्वाइल को इस तरीके से कुछ एंगल इंक्लाइन करके रखा होगा, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से एनालाइज करो, मैं इसे अपर वाले पोर्शन से थोड़ा सा व्यू करता हूँ ये दिखने में कैसे होंगे, आप इसे टिल्ट करिए वहां की तरफ स्क्रीन की तरफ ऐसे करके, और आप लोगों को यहाँ के केस में क्या दिखेगा, ये वाली जो प्लेन लाइन है इसके साथ यहाँ के केस में ये वाली जो क्वाइल है यहाँ के केस में रेक्टेंगल, ये यहाँ के केस में क्रॉस बना रहे कि नहीं बना रहे, मैं इसी चीज को यहाँ के केस में अभी थोड़ा सा अरेंज करके बताता हूँ। यहाँ के केस में आप इस चीज को समझिए, यहाँ के केस में ये चल रही है मैग्नेटिक लाइन सपोर्ट या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें ये क्वाइल यहाँ के केस में कुछ एंगल क्रिएट करके रखा हुआ है, ये क्वाइल का अपर वाला पोर्शन है,
ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनो, इस कॉइल के अपर वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम क्या था यहां के केस में, क्यू, ये लिख दिया मैंने क्यू, और इस कॉइल का अपर वाले पोर्शन दूसरे एंड का नाम क्या था आर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना यहां के केस में क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे धकेल के कहां की तरफ भेज रहे, अगर बात करें अंदर की तरफ भेज रहा था इसलिए मैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन को यहां के शो कर देता हूं, ये एक्चुअल में कहां की तरफ काम कर रहा था, ऊपर की तरफ, इसलिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देता हूं, कौन सी फोर्स थी F1, ये आंसर था। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहां के केस में, अगर इस पॉइंट का नाम क्या था, अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहां के केस में इस पॉइंट का नाम क्या था यहां के केस में आर, और इसकी जो फोर्स काम कर रही थी वो कहां की तरफ काम कर रही थी, नीचे की तरफ, इसलिए इसका नाम यहां के केस में क्या रख देता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तीसरा नंबर पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से क्लियर करें, अगर यहां से आप लोग एक चीज को एनालाइज करो कि यहां के केस में ये आर्म क्यू आर, इसकी अगर बात करें तो टोटल ब्रेथ कितनी थी डबल जूम, इसलिए मैं यहां के केस में अगर बात करूं सिर्फ ब्रेथ को इंडिकेट करने के लिए डबल जूम मेंशन कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना आ गया डबल जूम, ये यहां से जितने लिख गया। अब इसी के बाद अगर बात करें ये क्वाइल मैक्सिमम फील्ड कब इंप्लीमेंट कर सकते थे, इस चीज को क्लियर करो। देखो मैंने आपको पहले क्लियर किया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होता है इसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंप्लीमेंट होती है परपेंडिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब मुझे यहां के केस में काम क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये अलाइन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके कॉम्पोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। इसके कॉम्पोनेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो उसे मैं यहां के केस में दो हिस्सों में डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। अब ये दो हिस्से किस तरीके से बनेंगे और क्या पॉइंट है इस चीज को क्लियर करो। यहां के केस में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देखिए ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया मैंने इस लाइन के ऊपर, और ये अगर बात करें यहां के केस में ये पॉइंटेड बनकर, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए यहां के केस में मैं अलग अलग एंगल्स के बारे में मेंशन कर देता हूं, एक जगह पे एंगल कितना आएगा और दूसरी जगह पे एंगल कितना आएगा इस चीज को मेंशन कर देता हूं। लेट इट बी ये एंगल था मेरे पास थीटा, अब मुझे बताओ अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इस एंगल का नाम रख देता हूं 90 डिग्री। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना आएगा, इस एंगल का नाम रख देता हूं लेट इट बी थीटा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तीन एंगल के अलग अलग नाम दे दिए, एक एंगल के बारे में पता था 90, दूसरा थीटा होगा, तीसरा कौन सा थीटा है। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और हम लोग आंसर्स को निकालेंगे। अब यहाँ के केस में इसके आंसर्स को निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं इस पॉइंट का नाम तो क्यू रख चुका हूं, इसका आर और इसका नाम एल रख दिया, सपोज कर लेता हूं अपने से एम रख लेता हूं और इस पॉइंट का नाम एम रख दिया, तो मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल यहाँ के केस में अगर बात करें क्यू एंड आर, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्यू एंड आर के केस में अब आप मुझे बताइए आपको निकालना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क का स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या होता था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको साइन थीटा चाहिए ना, इसलिए साइन थीटा लिख देंगे। अब बताओ यहाँ के केस में थीटा के अकॉर्डिंग एंगल लेने, तो थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर पॉइंट क्या था बेस, और आपको पहले भी क्लियर किया गया था जिस लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या क्या जाता था बेस, और जिस लाइन के ऊपर अगर बात करें 90 डिग्री एंगल बनता था वो परपेंडिकुलर, और बची हुई लाइन क्या होती थी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें परपेंडिकुलर कौन इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि देखिए ये लाइन है, जिस लाइन के ऊपर अगर बात करें थीटा भी आ रहा है 90 डिग्री भी आ रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें ये पॉइंट यहाँ के केस में आया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, अब मुझे बताओ इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में अगर बात करें हाइपोटेन्यूज को ठीक परपेंडिकुलर के ऑपोजिट, इसका नाम क्या क्यूआर, ये लिख दिया क्यूआर। अब मुझे बताओ साइन थीटा यहाँ के केस में एन आर के पॉइंट के अकॉर्डिंग क्यूआर, क्यू से लेके आर की टोटल वैल्यू कितनी है डबल यू, और एन आर अगर बात करें यहाँ के केस में वैल्यू कितनी आ रही डबल यू, सॉरी डबल यू साइन थीटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर हो गया। अब मैं इस वैल्यू को निकाल चुका हूं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है, अब मैं इसी चीज को यूज करके आंसर निकालूंगा, मैं इसे रब कर देता हूं और देखिए फिर इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं। अब मुझे बताओ टॉर्क को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोगों ने लिखा। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें टॉर्क का टाउ रहा, फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स कौन कौन सी बची थी, मुझे बताओ एक बची थी आपकी F1, एक कौन सी बची थी F3,
वो दो तो कैंसिल हो चुकी थी। अब इनका मैग्नीट्यूड लेना, तो मैग्नीट्यूड पॉइंट क्यों पड़ी एफ वन और एफ थ्री, एफ थ्री की वैल्यू कितनी थी। अब मैग्नीट्यूड एक का लिया जाएगा आई एल बी, और यहाँ के केस में कितना आ गया साइन थीटा, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ के केस में दो रजू और साथ में क्या आ गया यहाँ के केस में साइन थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर हो गया ये पॉइंट। ओके अब ध्यान से सुनिए, यहाँ के केस में एक कंसेप्टिव पॉइंट के बारे में, टाउ का टाउ रहा, आई का आई रहा, एल का एल रहा, बी का बी। अब यहाँ के केस में अगर बात करें मैं एंगल 90 डिग्री ले, अब 90 डिग्री क्यों ले रहा है इसका रीजन सुनो, क्योंकि अगर मैं यहाँ के केस में क्लियर करूं आपको, आप इनके इनके दो बीच में एंगल बना रहे थे, एक आई और एल के बीच में एंगल बना रहे थे, आपकी लाइन ऑफ एक्शन, और अगर बात करें यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये दोनों हमेशा कितने एंगल बनाते हैं 90, इसलिए मैं इस वाले थीटा पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका एंगल क्या ले लेता हूँ 90 डिग्री ले लेता हूँ। ये आ गया साइन 90 डिग्री। ये थीटा पॉइंट की अगर बात करूं तो ऐसा करो ऐसी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसलिए मैं काम करता हूँ इनके थोड़े नाम की वेरिएशन दे देता हूँ। मैं यहाँ के केस में इस एंगल का नाम थीटा डैश रख देता हूँ, इसका नाम थीटा डबल डैश रख देता हूँ, ठीक है। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका नाम अभी थीटा डैश, इसका थीटा डैश, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आ गया थीटा डैश, और यहाँ के केस में वैल्यू पुट कर दी और ये साइन 90 आ गया, मल्टीप्लाई ओमेगा का ओमेगा साइन, यहाँ के केस में थीटा डैश आ गया। साइन 90 कितना हो गया अब इसके अलावा भी अगर बात करें हमारे पास एक इक्वेशन और होता है, अगर आप इसे इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा देखना चाहते हो, कुछ बुक्स में एक्चुअल में ना इसके एंगल को कॉस में भी कन्वर्ट किया गया, तो कॉस कन्वर्जन क्या है इस चीज को देखो। मुझे बताओ इस ट्राइंगल में अगर बात करूं आर एन क्यू, इन ट्राइंगल आर एन क्यू, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल किसके बराबर आएगा, आर इंटीरियर एंगल यहाँ के केस में कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर 180 डिग्री है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा यहाँ के केस में थीटा डैश प्लस 90 डिग्री प्लस अगर बात करें कितना आ गया थीटा, सबको मिला के कितना आ गया 180। मुझे थीटा डैश की वैल्यू चाहिए, थीटा डैश सॉरी एक का नाम थीटा डबल डैश, ये डबल डैश लिख देता हूँ, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थीटा डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये डबल डैश वाला ये 90 दो 180 यहाँ पे, ये 90 प्लस का वहां जाके माइनस का, ये प्लस का वहां जाके क्या आ गया माइनस। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा डैश। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करिए हमारे पास एंगल अगर बात करें रिजल्टेंट में, अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में सर एक मिनट मैं एक गलती कर गया, मुझे थीटा डैश यहाँ पे रखना था, थीटा डबल डैश वहां पे निकला है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ इधर थीटा डैश रख देता हूँ और इधर थीटा डबल डैश। अब वैल्यू पुट करो यहाँ के केस में, जब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ यहाँ के केस में, अब ये इक्वेशन फर्दर चेंज क्या होगी इसको थोड़ा सा समझ के। अब देखिए अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ के केस में, टाउ का टाउ रहा, आई का आई रहा, एल का एल रहा, बी का बी रहा, डब्ल्यू का डब्ल्यू रहा, साइन अगर बात करें थीटा डैश पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा यहाँ के केस में 90 माइनस थीटा डबल डैश, टाउ का टाउ रहा, आई का आई रहा, एल का एल, बी का बी, डब्ल्यू का डब्ल्यू और साइन का साइन रहा। अब मुझे एक चीज बताना साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, यहाँ के केस में कॉस थीटा, अब थीटा कितना है यहाँ के केस में थीटा डबल है, इसलिए क्या आ गया कॉस थीटा डबल है। क्लियर हो गया, एक चीज और क्लियर करो, आप लोगों ने ये भी देखा पीछे रेक्टेंगल लिया जा रहा था, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया अगर बात करें किसके बराबर होता है लेंथ इंटू कितना होता है ब्रेथ। अब लेंथ के पॉइंट के अकॉर्डिंग एल और ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या आ गया डब्ल्यू, इसका मीन एल इंटू डब्ल्यू की जगह सीधे सीधा क्या लिखूंगा मैं ए। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ के केस में टाउ, और टाउ पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना आ गया आई का आई, एल और ये डब्ल्यू, एल और ये डब्ल्यू दोनों को मिला के कितना आ गया ए, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बी का बी, और ये कितना आ गया यहाँ के केस में अब कॉस थीटा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें कॉस थीटा डबल डैश। अब ये इक्वेशन बनती है, पॉइंट क्लियर हो गया, आप चाहो तो इस इक्वेशन को भी ऐसा लिख सकते हो, इसमें इसे भी वेरिएट करके लिख देता हूँ, टाउ का टाउ, आई की जगह आई, एल और डब्ल्यू की जगह लिख देंगे ए, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ के केस में बी का बी बचा और साथ में क्या आ गया साइन थीटा, ये अगर बात करें यहाँ के केस में फॉर्म होगा, पॉइंट क्लियर हो गया, ये एफएल में अगर बात करें इधर में हमारे पास फॉर्म होगा। अब ये लिख लीजिए आप, क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। ओके थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।